झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। किराना बाजार से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि खाद्य तेल की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी रिफाइंड तेलों के में हो रही है। इनमें सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल और पाम तेल शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि हमारा अधिकतर रिफाइंड तेल बाहर के देशों से ही आता है। दूध के उत्पादन में भारत भले ही दुनिया भर में नंबर वन है, लेकिन खाद्य तेलों के उत्पादन में अभी हम काफी पीछे हैं। भारत अपनी कुल खपत का करीब 60% हिस्सा खाद्य तेलों का विदेशों से मंगवाता है। इनमें पाम तेल को छोड़ दें तो शेष रिफाइंड तेलों में से ज्यादातर तेल अर्जेंटीना, ब्राजील और यूक्रेन से आता है। पाम तेल मलेशिया और इंडोनेशिया से आता है। सनफ्लावर रिफाइंड तेल की बात करें तो इसमें 90% से अधिक आयात निर्भरता हमारी रूस और यूक्रेन पर है। युद्ध की वजह से इन दोनों देशों से आयात अभी फिलहाल बंद ही है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड COOIT के अध्यक्ष का कहना है कि रूस और यूक्रेन युद्ध भड़कने के पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिफाइंड तेल के दाम बढ़ने लग गए थे। सबसे सस्ता बिकने वाला पाम तेल भी इन दिनों ज्यादा बढ़ चुका है। कभी सरसों तेल से आधी कीमत पर बिकने वाला पाम तेल अभी विदेश से ही सरसों तेल के मुकाबले प्रति किलो 10 से 15 रुपये महंगा आ रहा है। बीते 25 फरवरी से 3 मार्च के बीच इसके दाम में $200 प्रति टन की बढ़ोतरी हुई है। इसी वजह से सोयाबीन, सूरजमुखी समेत सभी तरह के खाद्य तेलों के दाम बढ़ने लग गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के दाम बढ़ने की खबरों के बीच लोकल मार्केटों में भी इसके दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं। कारोबारियों का कहना है कि बीते 10 दिनों में रिफाइंड तेलों की सबसे अधिक कीमत बढ़ी है, साथ ही इसका स्टॉक भी कम हो रहा है, तभी तो इसके दामों में भी 35 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। यही नहीं, इसी वजह से देसी घी से लेकर वनस्पति घी आदि के दाम भी 25 से 30 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। खाद्य तेल कारोबार से जुड़े कारोबारी के मुताबिक यूक्रेन वैश्विक स्तर पर सूरजमुखी का अग्रणी उत्पादक है। दुनिया भर में सूरजमुखी के तेल का जितना उत्पादन होता है उसमें अकेले यूक्रेन की हिस्सेदारी 60% है। यूक्रेन और रूस में युद्ध छिड़ने के बाद सप्लाई चेन टूटा है। इसका असर ना सिर्फ इसके दाम पर पड़ा है बल्कि दूसरे तेलों की कीमत भी प्रभावित हुई है, तभी तो सोयाबीन के तेल की कीमत भी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।